यीशु सर्वदा।
ये देश है वीर जवानों का, रवेलों का, मुस्तानों का, इस देश को यारों, इस देश को यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।
जग जो बिछाए हर जाल काट ले, मक्खन चुराए हर बाल छाट ले, मुरली से करे ऐसी टिक 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 टिक, पन घट की है बड़ी, पन घट की है बड़ी कठिन डर पर माने दान कान को पुण्य जो त्यागी दान कान
દીકરી સાપનો ભારો, અરે દીકરી તો છે તુલસીનો ક્યારો, દીકરીની ઝગમગતી આંખો સામે લાખો સૂર્યની રોશની પણ ઝાંખી પડી જાય છે. દીકરો એ પિતાનું રૂપ છે, પરંતુ દીકરી એ પિતાનું સ્વરૂપ છે. દીકરો એ પિતાનો હાર છે, પરંતુ દીકરી એ પિતાનો હૈયું છે. એટલે જ દીકરીની વિદાય વખતે સૌની આંખોમાંથી આંસુ સરી આવે છે. અરે દીકરી તો રૂઢી સમાજની મૂડી, દીકરી વિનાની જિંદગી અધૂરી. અને સાસરીએ ગયા પછી તો એ પારકી જણી કહેવામાં આવે છે. માતાની મિત્ર છે દીકરી, પિતાનો પ્રેમ છે દીકરી, દાદાની લાડકી છે દીકરી, દાદીની લાડકી છે દીકરી, સંબંધની સરિતા છે દીકરી, પ્રેમનો પ્રવાહ છે દીકરી, પુણ્યનો પ્રવાહ છે દીકરી, વાત્સલ્યનો રણકાર છે દીકરી, મર્યાદાની મૂરત છે દીકરી, સંસ્કારોની સુરત છે દીકરી, બલિદાનની પરિકાષ્ઠા છે દીકરી, આવતી પેઢીની માં છે દીકરી. આજનો મારો સુવિચાર, પાપા કી લાડકી મમ્મી કી જાન, ભાઈ કી મુસ્કાન પરિવાર કી શાન, યહી હૈ હમ સબ બેટીઓ કી પહેચાન. એટલે જ તો કહેવાય છે કે દીકરી ભણે તો બે ઘર તારે. નંદલાલ કન્હૈયા મુરી બંસી બજૈયા, નંદલાલ કન્હૈયા મુરી બંસી બજૈયા, નંદલાલ કન્હૈયા મુહી મુહી ઐસે નહીં છેડો સાવરે, સુન સુન મોસે નહીં ખેલો દાવરે, જાકે શોધા સે કહે દોંગી રે કાના સોચા સદા. ઘુમ
रहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुटना उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और दुरानी, आ तेरे मेरे जन्मों के वादे। नन्ही सी हसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दिया आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, चार वतन सो जावे मुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे। लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जबर दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगा सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, खिल जाऊं, है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाते हैं। Me
हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब जाओगे, कि घर कब जाओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सोना सोना है। मैं गया चाहती बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको Oh,
हंसते बाद मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। द्वापर युग में युग पुरुष के असामान्य शक्तियों के साथ श्री कृष्ण भाद्रमा के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के कंच के कारागृह में जन्म लिया था। उसको श्री कृष्ण को श्री विष्णु का आठवां अवतार माना गया है। अंत हर वर्ष भाद्रमा के कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी के रूप में मनाए जाते हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग, सत्तर, द्वाला और कलयुग इन चारों को समय काल के विभाजित किया जाता है। श्री कृष्ण को जन्म दिवस के रूप में हर वर्ष भाद्रमा के कृष्ण पक्ष को जन्माष्टमी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म का परंपरा को दर्शाता है। सनातन धर्म से संबंधित यह बड़ा त्योहार मनाता है। अंत भारत से दूर बसे विदेशों में भी जो भारतीय बसे वो भी ये त्योहार को बड़ा धूमधाम से मनाता है। श्री कृष्ण को सनातन धर्म से संबंधित लोग अपने इष्ट देव को रूप में पूजते हैं। इसलिए उनके जीवन में जुड़ी अनेक प्रसिद्ध घटनाओं को याद करते हुए उनके जन्मदिन के अवसर को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत ये त्योहार भारत में पूरे भारत में मनाया जाता है और बांग्लादेश के ढाकेश्वर मंदिर और कराची पाकिस्तान के श्री नारायण मंदिर के रूप में भी वहाँ भी मनाया जाता है। यह त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। बांग्लादेश में यह त्योहार राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है और वहाँ राष्ट्रीय रूप में छुट्टी भी दी जाती है। यह त्योहार जन्माष्टमी का त्योहार हमारा सबसे बड़ा महत्व का त्योहार माना जाता है और सब हम उसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा जो बरसों बाद भी याद रह जाएगा तो वह होगा इस हसीन दिन का कोई रोशन सा लम्हा। इन बहनों ने बहुत मेहनत से अपनी कृतियां तैयार की है, कभी शिक्षक का सहयोग और कभी अपने आप से तैयार की, तो इसके आभार विधि के रूप में हम दिलीप भाई को निवेदन करेंगे कि वो बहनों के लिए कुछ कहे। बहनों ये खूब ज टूका समय में सरस मजानी तैयारी करी अने अहीं पधारेल शिबिरार्थी माटे एक सरस गुजराती भाथું પીરસ્યું। ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં મહાવીર વિદ્યાલય, આપણી નૂતન ભારતી માધ્યમિક શાળા કોલેજના બહેનો ખૂબ જ સારી એવી કૃતિ રજૂ કરી। શિબિરાર્થીઓ જે આવ્યા હતા એમાંથી જેમી ડાયમંડ સ્કૂલ પછી અન્ય શિબિરાર્થીઓએ પણ ઘણો થોડો ઘણો સહયોગ આપ્યો। ખાસ કરીને બહેનોએ જે જાતે શિબિરની તૈયારી હતી એ દરમિયાનમાં શ્રમ કાર્ય છોડી અને ગમે ત્યાંથી સમય કાઢી અને કોરોના કાળના ભવ્ય વર્ષમાં આજે આપણા ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ ધૂળખારીયા હતા એને આપણે ખંખેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એ બદલ આપ સૌનો, ખાસ કરીને બહેનો ભાઈઓનો અને ખાસ કરીને આટલી બધી બહેનોની વચ્ચે આ ભાઈઓ જે કૃતિ રજૂ કરી એના માટે એક જોરદાર તાળી વગાડો। અરે इतनी बहनों में भाइयों ने जो दम दिखाया उसके लिए तो ताली बजनी चाहिए। और कोई ऐसी वैसी नहीं, डॉक्टर भैया, अब हमारे बीच में इतने सारे डॉक्टर भैया हो गए हैं तो अभी हमारे बीच में अत से शुरू से सोम भैया ने भी कार्यक्रम निहाला है। आपको पता नहीं होगा बीच में सोम भैया बैठे हुए हैं, अभी 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 गए, अभी जब मैं बोलने खड़ा हुआ ना बोला आप तो ये बोल चलाएगा तो वो चले गए। तो सोम भैया ने भी पूरा कार्यक्रम निहाला, बहुत खुश हुए सभी शिबिरार्थी भी, सब खुश हुए। और हमारे आदरणीय महोदय पूज्य मोटा भाई पण आखो कार्यक्रम निहाळ्यो, सुरेश भाई, दिनेश भाई सब उपस्थित छे, संस्थाना दरेक परिवार कार्यकरो आ तके सौनो आभार। अने खास करीने फरी બહેનોએ જે ટૂંકા ગાળામાં તૈયારી કરી અને સરસ મજાનું ભાથું પીરસ્યું એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। એન્કરિંગ પણ બહેનોએ જાતે કર્યું એ બદલ પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે જવું છે, ક્યાં ગરબેરમમાં છે? હજી આજે નહીં, નીચે ગાતલા છે એટલે આજે ન થાય। ચાલો મંગલનાથ।